गाइस हाउ आर यू ऑल, आई एम आशुतोष एंड वेलकम यू चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग। सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 1-1 × 2 फंक्शन। ठीक, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था 1-1 × 2 फंक्शन के बारे में। और एक बात, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट नहीं हो तो उसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1-1 × 2 फंक्शन के बारे में। अब 1-1 × 2 फंक्शन होता क्या है? ऐसा फंक्शन जो ये रुक जाइए, ऐसा फंक्शन जो हमारा 1-1 फंक्शन भी हो और साथ ही साथ इनटू फंक्शन हो। ऐसा फंक्शन जो हमारा 1-1 फंक्शन भी हो और साथ ही साथ इनटू फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1-1 × 2 फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब आइए देखिए इसका एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल इसका आपके सामने एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बताइए ये हमारा 1-1 × 2 फंक्शन है या फिर नहीं है। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी। 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से, दिस इज फंक्शन। आपको क्या पहचानना है कि हमारा 1-1 × 2 फंक्शन है कि नहीं? 1-1 × 2 फंक्शन। अब देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर नहीं है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1-1 फंक्शन में क्या होता है कि इसका जो इमेज होता है अलग अलग होना चाहिए। अब जब मैं बात करता हूँ इनटू फंक्शन के बारे में, तो इनटू फंक्शन उसे कहते हैं जो हमारा कोडोमेन होता है इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारा 1-1 फंक्शन है या फिर नहीं है। तो कहेंगे आप लोग 1-1 फंक्शन के बारे में, हैंग कर रहा थोड़ा सा, 1-1 फंक्शन। देखिए यहाँ पे इमेज सेम है इसलिए हमारा 1-1 फंक्शन है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इनटू फंक्शन के बारे में, इनटू के बारे में। अब देखिए यहाँ पे इनटू फंक्शन में क्या होता है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। लेकिन देखिए आप, कोडोमेन ए है, बी है, सी है, डी है, और रेंज क्या होता है? इमेज होता है। अब रेंज भी हमारा ए है, बी है, सी है, टी है, यानी कि हमारा जो कोडोमेन है वो रेंज या फंक्शन के बराबर है, इसलिए हमारा ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। तो योर आंसर विल बी दिस इज नॉट 1-1 × 2 फंक्शन। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल मान लीजिए ए है 1, 2, 3, बी आपका है 2, जे में बना ही दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, ये आपको सेट ए है 1, 2, 3, और बी दिया गया जा रहा है आपके सामने, ए है, बी है, सी है, डी है। ए का ए से, 2 का बी से, और 3 का डी से। ठीक, अब आप लोग को बताना है कि हमारा 1-1 × 2 फंक्शन है या फिर नहीं है। अब देखेंगे सबसे पहले आप लोग 1-1 फंक्शन के बारे में, 1-1 तो 1-1 है ना, यस। इनटू के बारे में देख लो, इनटू क्या होता है? कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे इमेज देखोगे आप लोग, इमेज ए है, बी है, डी है। ठीक, अब देखोगे कोडोमेन ए बी सी डी, ठीक, यानी कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, सो दिस इज इनटू फंक्शन। तो योर आंसर विल बी यस, दिस इज 1-1 × 2 फंक्शन, 1-1 × 2 फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।